देखिए सर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसको सीखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ए रॉड ऑफ लेंथ 2a, 2a लेंथ की रॉड है, सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, l लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड है टू वन एंड पे, सस्पेंडेड है रॉड उससे और एक एंड पे अटैच्ड है, ठीक है, इस एंड पे अटैच है, इस एंड को हम o ले लेंगे, ठीक है। इफ स्ट्रिंग ऑफ रॉड रिवॉल्व अबाउट वर्टिकल विथ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग एंड रॉड, ध्यान दो, स्ट्रिंग और रॉड दोनों के दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं वर्टिकल के थ्रू, ये वर्टिकल ले लेते हैं अभी हम, ओ जेड ले लेते हैं इसको, ओ इसको जेड, विथ देयर इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल थीटा एंड फाई, देन सो दैट आपको 3l अपॉन ए इतना होगा करके शो करना है, ठीक है सर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहली बात तो इसको, इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं और ये जेड आपका ओ जेड हो गया। क्या है ये सिस्टम में बताता हूँ आपको, ये ओ जेड है, दोबारा समझाता हूँ, ओ जेड के साथ ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे एक रॉड लगी हुई है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है एल, और इस पे एक रॉड लगी हुई है, कितने लेंथ की, 2a लेंथ की, रॉड ए बी, रॉड ए बी की लेंथ कितनी है, 2a लेंथ की है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मास, इसका मास अगर हम m ले लें तो mg इसका वेट नीचे को लगेगा। अभी तक तो हमारे पास क्या होता था, ये वर्टिकल के साथ रॉड इस तरीके से रिवॉल्व करती थी, अब स्ट्रिंग के साथ लग गई है रॉड, तो जब हम ये, और दूसरा वर्टिकल के साथ एंगल इसका थीटा दे रखा है और ये वर्टिकल के साथ एंगल फाई बना रहा कहता है वो, तो अब आप देखिए अगर ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो ये टी साइन थीटा हो जाएगा और ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। अब जो लाइन एलिमेंट हम लेते थे यहाँ पे पी क्यू, एक लाइन एलिमेंट डेल्टा एक्स लेता हूँ, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक लाइन एलिमेंट ले लिया मैंने, तो अब यहाँ देखिए ये वाली डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल इसकी लेंथ एल है तो ये आ जाएगी एल साइन थीटा, अगर ये एल साइन थीटा है तो हम रिवर्स इफेक्टिव फोर्स निकालने के लिए, यहाँ पे रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होता है ना डी एम ओमेगा स्क्वायर पी एन करके, ये पी पॉइंट है, ये एन ले लिया मैंने, यहाँ एन ले रखा देखिए, तो ये वाली लेंथ तो यही हो जाएगी, ये टी साइन सॉरी टी साइन थीटा तो फोर्स है ना, ये कितनी होगी एल साइन थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस है ये एक्स साइन फाई हो जाएगी, तो टोटल पी एल की लेंथ आप लिखना चाहें तो पी एल की लेंथ कितनी हो जाएगी एल साइन थीटा पी एन की सॉरी प्लस एक्स साइन फाई, एक्स साइन फाई के बराबर हो जाएगी सर, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स ये मिल गया, अच्छा मास क्या, डेल्टा एम कितना आएगा, हम एक्स डिस्टेंस पे मास कंसिडर करते हैं पी क्यू का, तो उसकी लेंथ डेल्टा एक्स है तो कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मतलब उसकी रॉड की लेंथ तो 2a है ना, तो रॉड की लेंथ लिखी जाएगी यहाँ पे रॉड की लेंथ लिखी जाएगी मास अपॉन 2a, एम अपॉन 2a, अगर मास पर यूनिट लेंथ की मैं बात करता हूँ, एम अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स, ये आपके पास मास आ गया इसका, उस डेल्टा एक्स का, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए हमें जो निकालना है निकालने की कोशिश करते हैं, तो फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, पहली बात तो इस पर देखते हैं हम रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, उन्हीं पे वर्क करेंगे हम, ठीक है। पहली बात तो इस पर जो आपके इफेक्टिव फोर्सेज हैं, इफेक्टिव फोर्स होता है क्या आपका एम ए, तो एम ए तो जीरो होगा, इफेक्टिव फोर्स होगा नहीं, ठीक है, वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो और इम्प्रेस्ड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की, तो वो कौन कौन से काम कर रहे हैं, एक तो टी ये टेंशन स्ट्रिंग का, दूसरा एम जी, ये दो एक्सटर्नल फोर्स हो गए, ठीक है, मोमेंट लेते समय ये काम आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो इस पे हम यहाँ से टी साइन थीटा निकालते हैं, देखिएगा टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला टी साइन थीटा यहाँ को, इसको बैलेंस कौन करेगा, वो राइट हैंड साइड का कौन सा है, वो समीशन ऑफ डी एम छोटे से पार्ट के लिए, फिर इंटीग्रेट कर देंगे उसको, डी एम ओमेगा स्क्वायर पी एन ना,
तो दिस इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन कितनी है लेंथ, जीरो से टू ए, रॉड की लेंथ कितनी है जीरो से टू ए, और ये डी एम मतलब एम अपॉन टू ए डेल्टा एक्स, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डी एक्स हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, पी एन की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाइव, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाइव, और डी एक्स आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एम अपॉन टू ए ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और अंदर से क्या बचेगा एल, यहाँ से देखिए यहाँ वन आया एक्स आएगा, मतलब एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स साइन थीटा, क्योंकि इंटीग्रेट करके तो वही आएगा, प्लस एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन फाइव, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी है जीरो से लेके टू ए तक, जीरो से लेके टू ए तक इसकी लिमिट निकल आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी देखिएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू ये टू ए को, यहाँ टू ए इससे भी आएगा, एक टू ए, एक टू ए यहाँ से काट दूंगा, तो ये बचेगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर, अंदर जो मेरे पास बचेगा एम ओमेगा स्क्वायर, टू ए कैंसिल हो जाएगा ना, अंदर बचेगा एल साइन थीटा, यहाँ का तो टू ए कैंसिल हो गया, और यहाँ फोर आया और एक से टू वो कैंसिल हो गया था आपका, केवल ए बचेगा, प्लस ए साइन फाइव, ए साइन फाइव यही बचेगा ना सर, एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाइव, और इसी प्रकार ये क्या आया मेरे पास, टी साइन थीटा आया सर, ये क्या आया टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा निकाल देते हैं, टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी, क्योंकि वर्टिकल ये है, इसको बैलेंस करने वाला नीचे वाला एम जी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा जब आप निकालेंगे, टेन थीटा, टी से टी तो कट जाएगा ना, टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एम से एम भी कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ब्रैकेट के अंदर कितना, एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाइव, एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाइव, यही मिलेगा ना, एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाइव, और यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, आगे मोमेंट निकाल के उसमें रखूँगा ना, जी टेन थीटा अपॉन एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाइव, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फर्दर इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ टेक अब मोमेंट ले लेते हैं, अगेन हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने टेन थीटा निकाला, मोमेंट अबाउट ये रॉड जो है ना, इस रॉड ये ए पॉइंट लेता हूँ, इसको बी, ए भी एक रॉड है, ठीक है, ए भी एक रॉड है, लेंथ अगर आप इसमें लैंग्वेज भी लिखना चाहते हैं क्वेश्चन के लिए तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहें तो लेट ए बी बी ए रॉड ऑफ लेंथ टू ए, ठीक है, सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ओ ए, ओ ए से स्ट्रिंग सस्पेंडेड है, ठीक है, हमने एक मास कंसिडर, वी टेक ए डेल्टा एक्स विथ मास, डेल्टा एक्स क्या है पी क्यू ले रखा ना यहाँ पे, ये पी क्यू, इसको क्यू मानते हैं, वी टेक पी क्यू एन एलिमेंट ऑफ डेल्टा एक्स हुज मास डेल्टा एम इज इक्वल टू समथिंग एम अपॉन टू ए इंटू डेल्टा एक्स, इसका मास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमने निकाल लिया यहाँ पे, वो लिखा नहीं है मैंने, वो कितना होगा आपके पास एम अपॉन टू ए, मतलब हम डेल्टा एम, इसको ऐसा लिख देता हूँ, डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर पी एन के इक्वल होता है वो, ठीक है, डेल्टा इतना होता है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। तो टेन थीटा निकाल लिया, अब फर्दर आगे की कहानी हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, मैंने क्या कहा, टेकिंग मोमेंट अबाउट, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं देख लेते हैं, इसमें देखिएगा ए के अबाउट ले रहे हैं, ए ये पॉइंट है ना, तो इस पर जब मोमेंट लेंगे तो एक तो ये है एम जी, उसकी परपेंडिकुलर की लेंथ ये वाली लूंगा मैं, ये परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, फोर्स नीचे चुके हैं। दूसरा कौन सा है, डी एम ओमेगा स्क्वायर, उसके लिए लेंथ कौन सी ली जाएगी, ये वाली लेंथ ली जाएगी, और ये क्या होगी कॉस में होगी मेरे ख्याल से,
एक्स कॉस फाई हो जाएगी, ठीक है सर। तो जब मोमेंट लेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो क्या था, एम जी फोर्स था, और परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी थी, साइन फाई ए के साथ, ए आगे लिख देता हूँ मैं, ए साइन फाई ये थी, बराबर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ डी एम ओमेगा स्क्वायर, डी एम ओमेगा स्क्वायर पी एन इंटू परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, एक्स कॉस फाई, वही बताया अभी मैंने आपको, एक्स कॉस फाई ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ठीक है। या तो ये लिखो या माइनस ये बराबर जीरो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसको सॉल्व जब करेंगे तो एम जी ए क्या मिलेगा, एम जी ए साइन फाई दिस इज इक्वल्स टू एम अपॉन टू ए, अब पूरी लेंथ टू ए है ना, एम अपॉन टू ए ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन, सीधे लिख रहा हूँ जीरो से लेके टू ए तक, और ये वैल्यू रख देता हूँ, पी एन की वैल्यू कितनी थी, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाई, ये पी एन था मेरे पास, एक्स साइन फाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी है, एक्स कॉस ऑफ फाई इंटू डी एक्स, ठीक है सर, ये वैल्यू रख दी मैंने। तो इसको सॉल्व करिएगा आप, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू आपके पास m से m तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा g a साइन फाई इज इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बचेगा, ओमेगा स्क्वायर क्योंकि इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करके ध्यान दीजिएगा यहाँ से 0 टू 2a आएगा ना, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, चलो एक मिनट, हाँ इसको अगर हम पूरा लिखें तो ये क्या आएगा देखिएगा, ये आएगा मेरे पास एम जी एम एम हटा देता हूँ, है जी ए साइन फाई दिस इज इक्वल टू एम अपॉन टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, अब आप बताइए ये वाले टर्म से कितना आएगा, एल साइन फाई थीटा तो ऐसे ही रहा, इंटू यहाँ से एक्स मिलेगा, एक्स की लिमिट कितनी लगाओगे आप, जीरो से लेके टू ए तक, फिर यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू उस पे, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिलेगा जीरो टू टू ए, क्योंकि ये एक्स भी अंदर जाएगा ना सर, और यहाँ क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और ये इंटीग्रेशन आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस फाई जो हैं बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, फिर अब जब आप ये लिमिट लगाएंगे जीरो से टू ए वाली, तो देखेंगे तो जीरो से टू ए वाली जब लिमिट लगाएंगे इसमें टर्म कट जाएंगे कुछ, ठीक है। तो जीरो से टू ए वाली लिमिट लगाइए आप इस पर, तो अब आप देखिए इसको, जीरो से टू ए वाली लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास जो मिलेगा उस साइड तो कितना है, जी ए साइन थीटा है, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, आप देख लो सॉल्व करके, ए एल साइन थीटा कॉस फाई था ना इसमें, कॉस फाई प्लस 4/3 बचेगा, क्योंकि वो टू ए बाहर वाला काट दिया, 8 आ रहा था, एक टू ए तो बाहर था, उसको काट के हमने ये लिख दिया 4/3 ए स्क्वायर, ए क्यूब था, एक ए तो कट गया, ए स्क्वायर ऑफ साइन साइन फाई कॉस कॉस फाई, ठीक है सर, ये आ गया। बस अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने जो निकाल रखी उसको रख देते हैं, जी ए साइन थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये है, ये जी टेन थीटा अपॉन एल प्लस जी टेन थीटा अपॉन जी टेन थीटा अपॉन ये है ना, जी टेन थीटा अपॉन एल साइन थीटा प्लस इतना, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या थी ये, जी टेन थीटा अपॉन एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाई प्लस ए साइन फाई, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, ए एल साइन थीटा कॉस फाई प्लस 4/3 ए स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई, ठीक है, साइन फाई कॉस फाई। अब आप देखिए जी ए साइन थीटा, तो
तो जी से जी भी काट देते हैं, पहली बार देखिए जी से जी काट देता हूँ, एक ए ये कटा, एक ए ये कटेगा, एक स्क्वायर ए ये कट जाएगा, ठीक है। तो जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो एल, यहाँ से तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा नहीं साइन फाई है सर, ये साइन फाई है, देख लेते हैं एक बार, एम जी साइन फाई होगा ना वो, क्योंकि उसके साथ थीटा एंगल कैसे हो सकता है, थीटा कर रखा है तो उसको सही करते हैं हम, देखिएगा एम जी साइन फाई है, जी साइन फाई है ना, फाई है, ठीक है, थीटा नहीं है वो फाई है, ठीक। तो देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन फाई इनटू ब्रैकेट के अंदर कितना होगा, एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाई, एल साइन थीटा प्लस ए साइन फाई, राइट हैंड साइड में जब वैल्यू आप निकालिएगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा, टेन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, एल साइन थीटा कॉस फाई प्लस फोर बाई थ्री ए साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस ऑफ फाई, यही तो बचा, साइन फाई फोर बाई थ्री ए साइन फाई कॉस फाई। तो सर आप देखिए ये एल वाला एक टर्म यहाँ है, एल वाला एक टर्म यहाँ है, इनको मैं एक साथ रख देता हूँ, ठीक है। तो एल जब कॉमन लूँगा इनमें से तो यहाँ से क्या बच रहा है मेरे पास, देखेंगे साइन फाई साइन थीटा, साइन फाई साइन थीटा प्लस अगले वाले से यहाँ से साइन फाई साइन थीटा बच रहा है ना, साइन फाई साइन थीटा माइनस प्लस आए, माइनस आएगा ना, उस साइड लाऊंगा तो माइनस ही तो आएगा, तो ये जो बचेगा मेरे पास माइनस कितना बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, एक बचा आपके पास टेन थीटा से, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, हम एक काम करते हैं फोर ए बाई थ्री को बाहर लिख देते हैं, ए बाई थ्री बाहर लिखूंगा, एल यहाँ है देखिए, ए बाई थ्री को जब मैं बाहर लिखूंगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, फिर ए बाई थ्री को बाहर लिखते हैं तो यहाँ अंदर कितना बच रहा है आपके पास, फोर साइन, फोर साइन फाई कॉस फाई, फोर साइन फाई कॉस फाई, एक बाहर से टेन थीटा है, और ये वाली टर्म को भी उस साइड ले जाओ, इसमें से भी ए कॉमन लिया, लेकिन यहाँ थ्री है तो मुझे थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थ्री बाहर ले रखा ना, थ्री इसमें है नहीं, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का थ्री साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई कैसे हुआ, क्योंकि एक साइन फाई ये भी तो है, ये भी अंदर जाएगा ना। तो सर अब आप देखिए आपके पास ये आंसर आ चुका है, कैसे आ चुका है, यहाँ से थ्री एल बाई ए बराबर, आप इसको यहाँ ले जाइए, फोर साइन फाई कॉस फाई टेन थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर फाई होल अपॉन कितना है, साइन फाई, साइन फाई साइन थीटा, साइन फाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस फाई और टेन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें आंसर को मैच कराना है, तो साइन थीटा से अगर मैं इसको, यहाँ साइन फाई है ना, यहाँ टेन थीटा है आपके पास, टेन थीटा तो ऐसे रहेगा, साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया, साइन फाई कॉस फाई से आप डिवाइड जब करेंगे, पूरा डिवाइड करिए इसको साइन फाई कॉस फाई से, तो आंसर मैच कर जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर, ठीक है। अब इतना आप खुद कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो ये है एक क्वेश्चन, इस छूट गया था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो ये कहना क्या चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं पहले, ये कहना चाह रहा है, ये हमसे कहना चाह रहा है कि एक रफ यूनिफॉर्म रॉड, रफ यूनिफॉर्म रॉड,
ठीक है, ए रफ यूनिफॉर्म बोर्ड, सॉरी बोर्ड ऑफ मास एम एंड लेंथ टू ए रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन एंड ए बॉय ऑफ मास एम वॉक ऑन इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड देन सो दैट डिस्टेंस थ्रू विच द बोर्ड मूव इन दिस टाइम, इतना मतलब ये कहना चाह रहा है वो डिस्टेंस निकालिए जिसके थ्रू बोर्ड मूव करेगा। अब ये बोर्ड मूव करने का क्या सवाल है, क्या मतलब हुआ यहाँ पे, वो समझाता हूँ मैं आपको। वो डिस्टेंस निकालिए जिस डिस्टेंस से बोर्ड मूव करेगा वो डिस्टेंस इतनी आएगी, वो आपसे प्रूव करवाना मतलब कितनी आएगी वो निकलवाना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये एक बोर्ड तख्ती थी, ठीक है, ये तख्ती थी, ये तख्ती है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक एंड ये ए है ये बी है, यहाँ पे कोई बॉय है, इसको इस एंड से इस एंड पे पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इस पे कोई हॉरिजेंटल फोर्स तो है नहीं। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल कोई, अगर हॉरिजेंटल फोर्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉरिजेंटल फोर्स होता डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल से हम रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और वो एक्सटर्नल फोर्स का सम बराबर जीरो कर देते या मोमेंट निकाल देते, लेकिन इस पे तो हॉरिजेंटल कोई फोर्स है नहीं। तो इसका मतलब एक को आप यहाँ को ले जा रहे हो, तो इसका मतलब बोर्ड को आपको पीछे को खिसकाना पड़ेगा, तब जाके वो जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इसमें बनी रहेगी, है ना। सी जी आप निकालते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई एम आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई, तो होता है सर एम आई होता है ना, जितने भी मास हैं वहाँ पे उनका डिस्टेंस। तो पहले केस में जब हमारे पास ये पोजीशन थी, ये कंडीशन देखो, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये ए है ये बी है, ये रॉड है मान लेते हैं, मास आदमी का कितना है, वो बॉय जो है उसका मास कैपिटल एम है, यहाँ कैपिटल एम का मास रखा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराना है, ये सी जी है किसकी है, रॉड की, वो किसकी, ये बोर्ड की, बोर्ड की लेंथ ए दे रखी है, तो ए कॉमा जीरो पे ये सेंटर होगा, इसकी सी जी यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, ए कॉमा जीरो पे, ठीक है। यहाँ से चलना, ये आदमी कुछ चला नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जीरो होगी पहले। तो पहली पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ से जब मैं एक्स बार निकालूंगा सर, तो एक्स बार कितना आएगा बताएंगे आप, एक्स बार की वैल्यू मास एम है आदमी का और वो कोई डिस्टेंस चला नहीं है, प्लस जो स्मॉल एम मास है तख्ती का ये बोर्ड का, और उसकी डिस्टेंस सी जी कहाँ पे, ए पे, अपॉन कितना आ जाएगा, एम प्लस एम। इसका मतलब पहली पोजीशन पे एक्स बार की वैल्यू आपके पास एम ए अपॉन एम प्लस एम है सर, इक्वेशन वन लिख दी मैंने इसको। अब आप देखिए इसको मैंने क्या कहा, जब आपका ये इसकी सी जी की पोजिशन, वो सी जी की पोजिशन कहाँ होगी ये भी बता देता हूँ, ये इस, ये तो बोर्ड की है तो पूरे सिस्टम की सी जी यहाँ पे होगी है, इससे कम दूरी पे होगी ना, ये टोटल डिस्टेंस तो ए है, ये ए से कम डिस्टेंस पे होगी ना सी जी पूरे सिस्टम की। वो कहता है कि ये जो सो दैट द डिस्टेंस थ्रू विच बोर्ड मूव, बोर्ड को मूव कराना पड़ेगा, ये क्यों कराना पड़ेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक को आप ले जा रहे हो तो एक आगे को जा रहा है तो दूसरे को पीछे को खिसकाना पड़ेगा, तब जाके ये सी जी की पोजिशन फिक्स बनी रहेगी सर। सी जी जो सिस्टम की है ना रिमेन सेम तभी रहेगी जब आप एक को ले जा रहे हो आगे को तो दूसरे को पीछे को खिसकाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमने क्या कहा, ये डिस्टेंस अब जाके ये इतना पीछे आ गया, बोर्ड इतना पीछे आया ना जब आपका ये पोजीशन ये वाली हुई, तो कितनी डिस्टेंस आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे आपकी सी जी है जी है, जी कितने पे थी, ए पे थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ए पे थी इतनी कम होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि आदमी अब यहाँ पे पहुँच चुका है इस एंड पे। तो इस रॉड की लेंथ 2a है तो आदमी के लिए कितनी हो जाएगी, 2a में से x घटा दोगे, तो न्यू पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो मेरे पास हो जाएगी सर, m मास है, m मास किसका है, कैपिटल स्मॉल m मास है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी है, a माइनस एक्स है, फिर प्लस कैपिटल m मास है, उसके लिए 2a में से आपने क्या करा, उस x डिस्टेंस को हटा दिया, अपॉन क्या हुआ, कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ठीक है। इक्वेशन वन ये थी, इक्वेशन टू मेरे पास ये थी, तो सी जी को सेम बनाए रखना है मैंने, तो क्या कर दूंगा, एम ए अपॉन कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्व टू स्मॉल एम ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एम
2a माइनस एक्स अपॉन आपके पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स, मतलब वो डिस्टेंस एक्स कितनी हो जाएगी, 2m अपॉन m प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे।